गोवा में आज डीजल, पेट्रोल और गैस समेत बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मुजाहरा किया। इस दौरान सीएम रिहायशगाह की जानिब जा रहे कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यूथ कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवास, रियासती सदर वरद मर्दोलकर और असम यूथ कांग्रेस सदर कमरुल इस्लाम चौधरी समेत 30 से ज्यादा लीडरान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एहतजाजी सीएम हाउस पर जाना चाहते थे, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया, जबकि कांग्रेस लीडर ने इसे सरकार की तानाशाही अंदाज करार दिया है। वाज़ेह है कि एक दिन पहले हुए यूथ कांग्रेस के कौमी मजलिस से आमला में शामिल होने के लिए मुल्क भर से कांग्रेस लीडर यहां पहुंचे थे। जो पहला जो नरेंद्र मोदी जो भाषण पूरा देश पर जो स्टार्ट किया, यही गोवा से स्टार्ट हुआ। जो क्या वादा किया था, साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। गोवा में किसी को नौकरी मिला क्या? नहीं मिला। गोवा में नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आके यहाँ का नौजवान पर नौकरी छीनने का काम यह सरकार ने किया। अच्छे दिन का बात किया था, गोवा में किसी को अच्छे दिन आया क्या? गोवा में किसी को अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन आया होंगे दो लोग को, हम दो, हमारा दो, अडानी अंबानी। ये चार किसी को अच्छे दिन नहीं आया। सबके खाते में 15-15 लाख लगा देंगे, काला धन लाएंगे। किसी के खाते में 15 लाख आया क्या? हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ रोकने की जरूरत ही नहीं, जरूरत के रोक के ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। मेरे ख्याल से एजिटेशन करना, मोर्चे निकालना, स्लोगन्स देना, ये डेमोक्रेसी में हमको दिया हुआ फंडामेंटल राइट है। हम कब भी जाकर एजिटेट कर सकते हैं, तो वो एजिटेशन दबाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये क्या चल रहा है गोवा में, क्या चल रहा है? एजिटेशन करने का भी हक नहीं है। अगर गलत कोई कर रहा है तो वो पूछने का भी हक नहीं है। महंगाई बढ़ गई तो उसके खिलाफ आवाज लगाने का भी कोई चांस नहीं है। ये डेमोक्रेसी है क्या? डिक्टेटरशिप है। कल मैंने पढ़ा, मैंने ट्वीट किया था, सिरोड़ा में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको अंदर भेजा गया। क्या उनकी गुनहगारी क्या थी? उन्होंने क्या गुनाह किया था? उन्होंने जाके सवाल किया था रास्ते खराब क्यों है, ऐसा कुछ सवाल किया। वो सवाल मैंने फेस किया है, चीफ मिनिस्टर तब था, SEZ के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, मेरे घर पे प्राइवेट घर पे मोर्चा लाया गया था, लैंग्वेज एजुकेशन का मेरे फंक्शन में जाता था, तब मेरे खिलाफ लोगों ने, हमने कभी किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया, हमने किसी को लाठीचार्ज करने का ऑर्डर नहीं दिया। गोवा इज फेसिंग राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, इट इज द पेन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा दैट द यूथ कांग्रेस एंड कांग्रेस पार्टी ऑफ गोवा हैव रिजन टूडे। We were taking out a peaceful march against the issues, against this government. A peaceful march in a democracy is our fundamental right. The police had no right to do a lathi charge. If the CM is so afraid of people raising their voices against issues, then he should resign. The people of Goa should choose whether they want a Tanashahi government or a democratic government. They should choose whether they want a government of property dealers or they want a government of prosperity. They should choose whether they want a government who pollutes Goa or they should choose whether they want a government that cleans Goa.